देखा जाए अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोवैक्सीन की डोज ली है और उसे बाद में कोविशील्ड की डोज लगाई जाए तो क्या होगा? क्या दोनों वैक्सीन को मिलाकर लेना सुरक्षित होगा? जी हाँ, ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी में दिया गया है। ICMR की स्टडी में कहा गया है कि एक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित वैक्सीन के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय वायरस वैक्सीन कॉम्बिनेशन के साथ वैक्सीनेशन न केवल सुरक्षित था बल्कि इससे बेहतर इम्यूनिजेनेसिटी भी हासिल हुई थी। इससे यह साबित होता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज मिलाकर लेने से कोरोना संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। ICMR की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन की मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर यह स्टडी की गई थी। इस स्टडी के नतीजे काफी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के एक एक्सपर्ट पैनल ने जुलाई में कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की मिक्स डोज पर एक स्टडी की सिफारिश की थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि स्टडी का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या किसी व्यक्ति को दो अलग अलग वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। वैक्सीनेशन कोर्स को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को कोविशील्ड और दूसरों को कोवैक्सीन के अलग अलग शॉट्स दिए जा सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद CMC वेल्लोर को चौथे स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इसमें 300 हेल्थ वॉलेंटियर्स को शामिल किया गया था। वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को 3 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 40 लोगों को शामिल किया गया था। वैक्सीन लगाने के बाद सभी ग्रुपों में लोगों की सेफ्टी और इम्यूनिटी प्रोफाइल की तुलना की गई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज लेने वाले लोगों में कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिली। स्टडी में पाया गया कि एक ही वैक्सीन की दो डोज लेने वालों की तुलना में दो वैक्सीन के मिक्स डोज लेने वाले लोगों में ज्यादा एंटीबॉडी मौजूद थी।